इस वीडियो में मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार कैम स्कैनर से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन की जाती है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से कैम स्कैनर डाउनलोड करनी होगी। जस्ट यू हैव टू राइट हैव टू प्ले प्ले स्टोर को खोल लिए, वहाँ पे बस टाइप करनी है कैम स्कैनर। यस दिस वन, सेकंड वन। वंस यू सी दिस, जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसे पहले ओपन करूंगा। जैसे ओपन होती है, यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में डाउन साइड आपको यहाँ पे मिलेगी एक कैमरे का साइन। इससे बस एक बार टच करनी है, ये आपका कैमरा मोड खुल जाएगा। इसमें बेसिकली ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख, कार्ड, पीपीटी, पीपीटी, ओसीआर, डॉक्स। तो बेसिकली इसमें हमें डीओसीएस डॉक्स पे हमें रखनी है, अगर आपका प्रो वर्जन होगा तो डीओसीएस में। और इसके बाद सिंपली फुल स्क्रीन मोड में रखकर जस्ट फोटो को स्कैन करनी है। अगर फोटो लेमिनेटेड है तो मैं यह प्रेफर करूँगा कि उसे फ्लैश के साथ ना लें, लाइट में जाकर क्लियर व्यू में आराम से फ़ोटो लेना है उसे। जैसे कि मेरा लेमिनेटेड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ और ये फ़ोटो क्लिक हुआ। फ़ोटो क्लिक होने के बाद कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो सिंपली इसको पहले अपने मार्कशीट के ऊपर रख लेना है, किस तरह से कितना क्रॉप करनी है इसको अरेंजमेंट कर लेनी है। अरेंजमेंट कर लेने के बाद सिंपली हमें इस टच वाले आइकन टिक वाले पे टच करनी है और ये इस प्रकार हो गया। तो बेस शुरू में ये ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल ऐसा लगेगा, लेकिन हमें ये वाले मैजिक कलर को सिलेक्ट करनी है ताकि फ़ोटो क्लियर आए। तो मैजिक कलर जैसे सिलेक्ट करता हूँ वो इस तरह से फ़ोटो हो जाती है। इसके बाद बस सिंपली टिक कर देनी है, टच कर देनी है। टच करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट रेडी है, लेकिन ये अभी गैलरी में शो नहीं करेगा, ठीक है। और अभी मेरा इसका साइज 919 KB है, तो इसे मैं कैसे रिसाइज करूँ। सबसे पहले इस फोटो पे थोड़ी देर टच करके रखनी है। इसके बाद यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन आएगी सेव टू गैलरी, बस गैलरी में वो टच कर देनी है। अब ये फ़ोटो हमारे गैलरी में सेव हो चुकी है। अब मैं कर सकते हैं वेबसाइट खोल, हाँ तो यहाँ पे आपका एक साइट है picresize.com, इसे बस ओपन करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्राउज का ऑप्शन दिख रही है, इससे बस एक बार टच करनी है। ब्राउज आपका जहाँ पे भी फाइल वगैरह है, अगर फाइल्स में है तो फाइल्स में जाकर ये रहा जो भी मैं कैमरा स्कैनर से सेट किया था। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ कंटिन्यू पर टच कर देनी है। ये फ़ोटो वेबसाइट पर अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो अब बात कर होनी है कि चूँकि फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे साइज़ दिया हुआ है कि मैक्सिमम 500 KB, तो सिंपली कुछ नहीं करनी है, यहाँ राइट साइड में आई एम डन के जस्ट ऊपर साइज़ के लिए ऑप्शन दिया होगा कि आप कितने साइज़ का रखना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे 500 लिख देनी है और इमेज क्वालिटी को बेस्ट कर देनी है ताकि हमारा जो नंबर्स वगैरह जो लिखा हुआ है मार्कशीट में वो क्लियर आए, ठीक है। मेक माई पिक्चर 75% स्मॉलर, ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 75% स्मॉलर, JPG एंड 500 KB, एंड दैट उसके बाद सिंपली आई एम डन रिसाइज माई पिक्चर। इतना करने मात्र से आपका जो फोटो है वो रिसाइज हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल थी 920 KB और रिसाइज होने के बाद आई है 442 KB। सिंपली अब इसको हमें सेव करनी है। सेव करने के लिए यहाँ पर सेव टू डिस्क का ऑप्शन दिख रही है, इसे बस टच कर देनी है सेव टू डिस्क और ये मोबाइल में डाउनलोड हो गई। और इसके फॉर्म भरेंगे तो आप बस उसको सेलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं।